हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, ब्रेक मशीनरी में हमने देखा था टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या क्या था। हमने देखा था अप्रॉक्सिमेटली 10 टाइप्स ऑफ बॉन्ड थे ब्रिक्स के। कौन कौन सा था? पहला हमारा था स्ट्रेचर बॉन्ड, दूसरा हमारा क्या था हेडर बॉन्ड, तीसरा हमारा था क्या इंग्लिश बॉन्ड, चौथा हमारा क्या था फ्लेमिश बॉन्ड, फिर देखे थे गार्डन वॉल बॉन्ड, फिर देखे थे हम क्या रैंकिंग बॉन्ड, फिर देखे थे क्या और क्या था डच बॉन्ड, फिर देखे थे क्या फेसिंग बॉन्ड, और लास्ट में क्या था हमारा इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड और ब्रिकॉन एज बॉन्ड। ये हमने 10 प्रकार के बॉन्ड देखे थे, जिसमें हमने बताया था जो ये 10 में डिटेल में पढ़ना, हमें बस पढ़ना है। 4 बॉन्ड ऐसे हैं जिसको हमें डिटेल से जानना है। तो वो कौन कौन सा था हमारा? पहला था हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड, जिसके बारे में डिटेल से जानना है। फिर हम देखे थे हेडर बॉन्ड, जिसके बारे में हमें डिटेल से जानना है। फिर देखे थे इंग्लिश बॉन्ड, और लास्ट में हमारा फ्लेमिश बॉन्ड, जिसके चारों में जैसे हमें क्या डिटेल में जानना है। तो हमारा आज का टॉपिक ये 4 बॉन्ड्स पे है, और जो है सो पहले हम स्ट्रेचर बॉन्ड पे डिस्कस करेंगे, फिर हेडर बॉन्ड पे, फिर इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। जैसा कि आप लोग अगर थोड़ा भी अगर जानते होंगे तो फ्लेमिश बॉन्ड का 2 प्रकार का होगा, कौन कौन सा? एक है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और दूसरा हमारा क्या डबल फ्लेमिश बॉन्ड। तो हम पहले स्ट्रेचर बॉन्ड से डिस्कस करेंगे। पहले हम तो रिकैप करा देते हैं, हमने ब्रिक मशीनरी में भी हमने टेक्निकल टर्म्स देखा था, 9 टेक्निकल टर्म्स थे। वो कौन कौन से हम देखा था? जैसे कि फ्रॉग था, अराइजेज था, बेड था, फिर और क्या था फ्रॉग अराइजेज बेड और भी तरह के थे, और 4-5 हेडर कोर्स हेडर था, स्ट्रेचर था, फेसिंग था, बैकिंग था, ये सब जितने भी सारे थे ये हमारे 9 टेक्निकल टर्म्स थे। फिर हम क्या देख रहा उसके बाद हमने देखा ब्रिक मशीनरी क्या होता है, फिर हमने देखा जो ब्रिक्स का साइज क्या था, नॉमिनल साइज, स्टैंडर्ड साइज और ट्रेडिशनल साइज वो देखा था, फिर हमने फ्रॉग का डायमेंशन देखा था, फिर उसके बाद हमने आया था स्ट्रेचर मतलब बॉन्ड्स ऑफ आए थे ब्रिक का, ब्रिक का कितना बॉन्ड्स होता था तो बताया हम ब्रिक का 10 बॉन्ड था, जिसमें हमने बताया था 10 बॉन्ड का डिटेल में जानना, बस हमें 4 बॉन्ड्स के बारे में डिटेल में जानना है। तो पहला हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड, दूसरा हमारा हेडर बॉन्ड, तीसरा हमारा इंग्लिश बॉन्ड, चौथा हमारा फ्लेमिश बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड बेसिकली वह बॉन्ड है जिसमें हम क्या करते हैं स्ट्रेचर फेस को रखते हैं। इसका जो फेस इसका देखिए जिसमें स्ट्रेचर फेस हो, हमने बताया था ब्रिक में कैसे ब्रिक स्ट्रेचर फेस कौन सा था, जैसे ये हमारा एक ये हमारा मान लेते एक ब्रिक्स है, इसका स्ट्रेचर फेस कौन सा था? ये हमारा स्ट्रेचर फेस था और ये हमारा हेडर फेस था। ये हमारा टॉप फेस है जिसपे क्या बनता है फ्रॉग बनता था, ये हमारा था। ये हम क्या देख रहे हैं इसमें स्ट्रेचर बॉन्ड में क्या है, जो इस तरह का जो हमारा फेस रहेगा, इस तरह से जो हम बॉन्ड बनाएंगे उसे हम कहते हैं स्ट्रेचर फेस, स्ट्रेचर बॉन्ड। तो बोलेगा बेसिकली व्हाट इज स्ट्रेचर बॉन्ड, तो बोलेंगे दोज टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच ऑल ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन द स्ट्रेचर कोर्स, वह बॉन्ड जिसमें क्या करेंगे जितना भी ब्रिक्स है सबको हम स्ट्रेचर कोर्स में बिछाएंगे उसी को कहते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है। और यह बेसिकली यह बॉन्ड किसमें होता है, इस बॉन्ड का जो बेसिकली हम पार्टीशन वॉल में यूज कर रहे हैं, किसमें वॉल में पार्टीशन वॉल में, पार्टीशन वॉल में इसका यूज होता है बेसिकली। और फिर क्या देखते हैं दे हैव नो हेडर्स ऑन सच वॉल्स, और इसमें जैसे कोई भी हेडर्स नहीं होता है, ठीक है, ये बस खाली इसी लाइन में अरेंज रहेगा। जैसे देख लीजिए ना इसका अगर एलिवेशन देखिएगा, इसका ऐसा एलिवेशन जैसे मान लेते ये एक वॉल है, ठीक है, ये हमारा जितना होगा हमारा स्ट्रेचर फेस होगा, इसमें कहीं भी ये जो है हमारा हेडर फेस नहीं होगा। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है। ये हमारा एलिवेशन हो जाता है। एज दिस बॉन्ड डज नॉट ओवरलैप प्रॉपर इंटरनल बॉन्ड, इट शुड नॉट बी यूज फॉर वॉल्स हैविंग थिकनेस ग्रेटर देन दैट ऑफ द वन ब्रिक वॉल। और इसका थिकनेस जो है मतलब इस बॉन्ड का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें एक ब्रिक वॉल से ज़्यादा थिकनेस नहीं देना होता है। जैसे देखते हैं हम कभी कभी देखते होंगे कहीं कहीं जो 2 ब्रिक वॉल, जैसे एक ब्रिक ये हो गया और दूसरा ब्रिक ये हो गया, तो इस दोनों का भी थिकनेस कभी कभी देखते हो किसी किसी वॉल में यूज किया, दोनों ब्रिक्स को जोड़कर किया जाता है। लेकिन इसमें जो है जब हम स्ट्रेचर बॉन्ड करेंगे उसमें बस
एक ही ब्रेक्स का जैसे थिकनेस के बराबर होगा, उसमें डबल डबल ब्रेक का थिकनेस नहीं होगा। तो ये हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड। तो बेसिकली अगर हमसे कोई पूछे आज भाई बता ये स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है, तो बोलेंगे दो टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच ऑल ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन द स्ट्रेचर कोर्स। वह इस तरह का बॉन्ड या वह तरह का बॉन्ड या उस तरह का बॉन्ड जिसमें हम क्या करते हैं सभी ब्रिक्स को स्ट्रेचर कोर्स में अरेंज करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या स्ट्रेचर बॉन्ड। ठीक है, और इसका एलिवेशन हम आपको दिखा दें कैसा होता है। ये एलिवेशन होता है, आप जैसे इसका यूज भी बता दें, इसका यूज कहाँ करते हैं पार्टीशन वॉल में यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया स्ट्रेचर बॉन्ड। अब हम आएंगे हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड क्या होता है, तो सिंपली जब हम स्ट्रेचर बॉन्ड करते हैं जिसमें स्ट्रेचर कोर्स रहता है, हेडर बॉन्ड क्या होगा हेडर कोर्स होगा। अगर एक पॉइंट और आ गया स्ट्रेचर बॉन्ड में और इसका डायमेंशन पूछा जाए, तो ये आपका अगर क्या स्टैंडर्ड डायमेंशन बोलता है स्टैंडर्ड साइज, तो 19x9 और हेडर का कितना होता है 9। तो अगर हमारा कुछ दे जो स्ट्रेचर अगर इफ़ द वॉल इज मेड इन 19x9 देन व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म, तो बोलेंगे स्ट्रेचर बॉन्ड है वो, क्योंकि इसका जो है जो फेस जो है 19x9 का है। और बोल दे इफ़ द डायमेंशन ऑफ ब्रिक वॉल इज 9x9 सेंटीमीटर, तो कौन सा बॉन्ड होगा, वो हेडर बॉन्ड होगा हमारा। तो वही हमारा आ जाता है हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड के बारे में बेसिकली अगर पूछेगा कोई हेडर बॉन्ड क्या होता है, तो बोलेंगे दोज टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच ऑल ब्रिक्स आर अरेंज इन द हेडर कोर्स। वह बॉन्ड जिसमें क्या होगा सभी ब्रिक्स को हम हेडर कोर्स में अरेंज करेंगे। यही जो अगर हम इसी फेस को अगर रखते हैं तो हमारा इस तरह का हो जाएगा, सब पे हेडर फेस दिखेगा हमें। मतलब क्या होगा, हमें जो दिखेगा वो 9x9 का दिखेगा या 19x9 नहीं दिखेगा, ये बस 9x9 का दिखेगा। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया हेडर बॉन्ड। और इसका जो बेसिकली हम क्या चीज़ में यूज करते हैं, देखिए सब पे हमारा हेडर फेस दिखेगा, हेडर फेस सब पे हमारा हेडर फेस दिखेगा, सब पे हेडर, किसी में जो स्टेशन नहीं होगा इसमें। ठीक है, और इसमें क्या देखते हैं क्यूनॉन भी प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, तो द ओवरलैप इज यूजुअली केप्ट हाफ द वर्थ ऑफ ब्रिक एंड इट इज अचीव्ड बाय यूजिंग 3/4 ब्रिक बैट। और इसमें हमने बताया था बैट के बारे में, जो तीन तरह का बैट था कौन कौन सा, एक था हाफ पॉट, एक था हाफ बैट, दूसरा क्या था हमारा 1/3 ब्रिक बैट, और चौथा क्या था हमारा 1/4 ब्रिक बैट। तो हमने ये तीन तरह का बैट देखा था। और इसमें इसमें कौन सा बैट का यूज करेंगे, इसमें 3/4 मतलब क्या 1/3 वन जो था, मतलब जैसे एक ब्रिक्स है और इसका जैसे 3/4 ये जो हमारा होगा इसका यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये स्पेस बच गया, ये स्पेस बच गया, ये स्पेस इसमें जो है हमारा यही 1/3 ब्रिक बैट यूज होगा ओवरलैप करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और इन ईच अल्टरनेट कोर्स एज क्यूनॉन्स द बॉन्ड डज नॉट हैव स्ट्रेंथ टू ट्रांसमिट प्रेशर इन द, जो हमारा बॉन्ड बनेगा इसमें क्या होगा, इसमें जो है मतलब स्ट्रेंथ नहीं रहता है ट्रांसमिट डायरेक्शन इन द इट्स लेंथ ऑफ द वॉल, हेंस इट इज नॉट सुटेबल फॉर द लोड बेयरिंग वॉल। और इसलिए जो है सुटेबल नहीं किसके लिए, लोड बेयरिंग वॉल, देखो क्योंकि इसमें ओवरलैप ही नहीं सही से बनता है इसमें ओवर, क्योंकि 1/3 ब्रिक बैट यूज करना है, इसका जो सरफेस है कितना है इसका 9x9 का ही है, इसका जो ओवरलैप से इसने बनेगा, जब ओवरलैप से इसने होगा तो स्ट्रेंथ नहीं अच्छा से होगा, तो अगर ये स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होगा तो लोड बेयरिंग वॉल हम इससे नहीं बनाते। मतलब क्या है इसका लोड बेयरिंग वॉल किस में करते हैं, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में करते हैं, तो स्ट्रक्चर हेडर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड से नहीं बनता है। ठीक है, देयरफॉर दिस बॉन्ड कैन यूज फॉर कर्व्ड सरफेस इन ब्रिक वॉल। और इसलिए जैसे इसका जो यूज कहाँ किया जाता है, कर्व्ड सरफेस ब्रिक वॉल में यूज किया जाता है। तो ये आपका हेडर बॉन्ड हो गया। बेसिकली हमने देख लिया स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है, दो टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच ऑल ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन स्ट्रेचर कोर्स। ठीक है, और हेडर बॉन्ड क्या देख लिया, तो दो टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच ऑल ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन हेडर कोर्स। ठीक है, ये हमने दोनों देख लिया। अब क्या देखेंगे हम, इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है। इंग्लिश बॉन्ड वह बॉन्ड है जिसमें क्या देखेंगे, हेडर भी होगा स्ट्रेचर भी होगा लेकिन अल्टरनेट कोर्स में होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा इसका, दो टाइप ऑफ बॉन्ड वह बॉन्ड जिसमें क्या होगा हेडर एंड स्ट्रेचर बोथ आर प्रेजेंट बट इन अल्टरनेट कोर्स, लेकिन वो क्या चीज़ कोर्स में होगा, अल्टरनेट कोर्स में होगा। जैसे देख लीजिए, ये आपका एक लेयर हेडर का गया, दूसरा लेयर क्या चीज़ का जाएगा, दूसरा लेयर जाएगा आपका स्ट्रेचर का। ठीक है, फिर आपका एक लेयर हेडर का जाएगा, फिर एक लेयर आपका क्या जाएगा स्ट्रेचर का। ये आपका हो गया क्या, इंग्लिश बॉन्ड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए हम जो अगर वह बॉन्ड जिसमें क्या करेंगे हम, एक लेयर में पहले देखिए, एक लेयर में पहले हमने क्या किया, एक लेयर में हमने पहले हेडर बिछाया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक लेयर में
स्ट्रेचर बिछाएंगे, फिर हम क्या करेंगे एक लेयर में हेडर बिछाएंगे, इसी तरह का जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लिश बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और इस बॉन्ड को जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड माना जाता है, ये जो है ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे, ये हमने देख लिया इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, दो टाइप का बॉन्ड इन विच हेडर एंड को हेडर एंड स्ट्रेचर बोथ आर प्रेजेंट बट इन अल्टरनेट कोर्स, लेकिन किस कोर्स में होगा, अल्टरनेट कोर्स में होगा, ठीक है। ये अल्टरनेट कोर्स देख रहे हैं, पहले हेडर फिर स्ट्रेचर फिर हेडर फिर स्ट्रेचर, ठीक है, तो हमारा हो गया। और फिर क्या देख रहे हैं इसमें, क्यून क्लोजर आर नॉट रिक्वायर्ड इन द स्ट्रेचर कोर्स, मतलब हमने पहले देखा था स्ट्रेचर बॉन्ड जो था क्यून क्लोजर का यूज नहीं था, लेकिन हेडर बॉन्ड में था, इसलिए जो है सर हम हेडर का अगर लेयर चल रहा है, हेडर का अगर बेड चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो होगा क्यून लेकिन इसमें नहीं होगा, तो वही बोल रहा है जिसमें क्वीन क्लोजर इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रेचर कोर्स बट क्वीन क्लोजर इज जस्ट प्लेस आफ्टर द वन हेडर, अगर एक हेडर है उसके बाद जस्ट जो है हम दे देंगे एक क्वीन दे देंगे, और जिसके बाद वो क्या करें ओवरलैप होगा, जिससे हमारा जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये हमारा मतलब बेसिकली इंग्लिश बॉन्ड, हमने बता दिया इंग्लिश बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि ये जो है सबसे पहले तो ये अल्टरनेट कोर्स रहता है हेडर स्ट्रेचर का, अल्टरनेट होने के बावजूद भी क्या करता है इसमें क्वीन प्रेजेंट रहता है हेडर वाले लेयर में, ये हमारा जो है क्या, ये हमारा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड रहता है इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है, ये हमारा हो गया इंग्लिश बॉन्ड। उसके बाद क्या है फ्लेमिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड क्या है, तो दो टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच स्ट्रेचर एंड हेडर बोथ आर प्रेजेंट इन ईच लेयर इन ईच कोर्सेस, मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे आप एक हेडर है, फिर क्या होगा एक स्ट्रेचर होगा, फिर एक हेडर है, फिर एक स्ट्रेचर होगा, फिर एक स्ट्रेचर यहाँ पे, फिर एक हेडर होगा, फिर एक स्ट्रेचर है यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे क्या होगा हेडर होगा। तो इस तरह का जो बॉन्ड होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, फ्लेमिश बॉन्ड। अब बोलिएगा सर ये तो हम जान गए हैं, लेकिन अभी देखिए अगर हम टाइप्स में नहीं गए फ्लेमिश बॉन्ड का, फ्लेमिश बॉन्ड का दो टाइप्स है, एक है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और एक है डबल फ्लेमिश बॉन्ड, तो वो भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है। इंग्लिश बॉन्ड तो देख लिया, इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, वह बॉन्ड जिसमें हेड और स्ट्रेचर दोनों रहे, लेकिन क्या रहे एक अल्टरनेट कोर्सेज में रहे, ठीक है अल्टरनेट कोर्स में रहे। और देख रहे हैं फ्लेमिश बॉन्ड क्या, फ्लेमिश बॉन्ड में हेड स्ट्रेचर है लेकिन वो इस कोर्स में हर एक कोर्सेज में है, मतलब अगर एक कोर्स जा रहे हैं तो उसमें हेडर भी होगा स्ट्रेचर भी होगा। और फिर क्या देख रहे हैं और इंग्लिश बॉन्ड में जो एक बार में हेडर गया तो एक हेडर गया, फिर अगले कोर्स में नेक्स्ट कोर्स में जाएगा स्ट्रेचर जाएगा, फिर नेक्स्ट कोर्स में क्या जाएगा हेडर जाएगा, तो वह बॉन्ड होता है इंग्लिश बॉन्ड होता है, ये फ्लेमिश बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब जो है जब तो हम जानेंगे फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, लेकिन फ्लेमिश बॉन्ड का जो है बेसिकली टू टाइप्स है, कौन सा है, पहला हमारा है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और दूसरा क्या हमारा डबल फ्लेमिश बॉन्ड, डबल फ्लेमिश बॉन्ड। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, कौन कौन सा, पहला हम देख लिए हैं सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और डबल फ्लेमिश बॉन्ड। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड क्या है, ये भी हम बताते हैं। ठीक है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और डबल फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, देखिए सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड वह बॉन्ड है जिसमें फेस एलिवेशन में क्या दिखेगा हमारा फ्लेमिश बॉन्ड दिखेगा एंड द फिलिंग एज वेल एज बैकिंग आउट ऑफ इंग्लिश बॉन्ड, मतलब क्या होगा इसका, अगर हम इसको सामने से देखेंगे सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में तो हमें फ्लेमिश बॉन्ड की तरह दिखेगा, फ्लेमिश बॉन्ड क्या था, फ्लेमिश बॉन्ड हम क्या देखते फ्लेमिश बॉन्ड में जो है देखिए हम इसे देखे थे, पहले अगर हेड आ रहा है फिर स्ट्रेचर फिर हेड होगा फिर स्ट्रेचर होगा, फिर क्या इसमें अगर कि हमारा क्या था, देखिए ये हमारा था क्या फ्लेमिश बॉन्ड, लेकिन हम क्या देखेंगे ये तो हमारा सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है, इसका अगर एलिवेशन देखेंगे अगर इसका फेस सामने से देखेंगे तो हमारा ये दिखा, लेकिन पीछे से देखेंगे क्या देखेगा, पीछे से हमारा क्या देखेगा इंग्लिश बॉन्ड की तरह देखेगा। इंग्लिश बॉन्ड क्या था हमारा, इंग्लिश बॉन्ड था वह बॉन्ड था जिसमें हम क्या देखे थे
देखिए ये हमारा है, देखिए सिंगल फ्रेंड्स बॉन्ड में क्या है, सिंगल फ्रेंड्स बॉन्ड देखना, उसका फेस सेलिब्रेशन देखेंगे तो हमारा फ्लेमिश बॉन्ड की तरह दिखेगा, किसकी तरह दिखेगा, फ्लेमिश बॉन्ड की तरह दिखा। लेकिन अगर उसी का ब्लैक, अगर उसी का बैक एलिवेशन देखेंगे तो हमारा किस तरह दिखेगा, इंग्लिश बॉन्ड की तरह दिखेगा। तो इसी तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं। तो अगर बेसिकली हमसे कोई पूछेगा जो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड वह बॉन्ड है जिसमें हम क्या देखते हैं, बैक एलिवेशन में हमें इंग्लिश बॉन्ड दिखा है और फ्रंट एलिवेशन में हमें क्या दिखा है, फ्लेमिश बॉन्ड देखें, उसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं। दस इसलिए दिस इज दिस बॉन्ड एट अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू कंटिन्यू द स्ट्रेंथ ऑफ द इंग्लिश बॉन्ड विद द अपीयरेंस ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड ए वॉल ऑफ मिनिमम थिकनेस 1.5 brick इज रिक्वायर्ड। और इसमें जैसे वॉल का थिकनेस कितना होता है, 1.5 brick होता है, जैसे मतलब एक ब्रिक का थिकनेस ये हो गया और इसका हाफ ये इतना वाला जो हमारा वॉल है उसी को कहते हैं सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा देखिए ये वन और इसका हाफ, तो यही हमारा जो ब्रिक होगा उसी को कहते हैं हम सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, तो हमने अगर बेसिकली हम समझाने का कॉन्सेप्ट आपको ये बता रहे हैं जो वह बॉन्ड जिसमें क्या दिखे हमें फेस एलिवेशन में फ्लेमिश बॉन्ड दिखे और बैक एलिवेशन हमें क्या दिखे इंग्लिश बॉन्ड दिखे उसी को हम कहते हैं सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। फिर डबल, आप बोलिए सर डबल फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड बेसिकली आपका यह बॉन्ड होता है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड जो है आपका बेसिकली वह है जिसमें देखिए जिसमें हम क्या करेंगे एक स्ट्रेचर यूज कर दिए, फिर क्या इसी लेंथ के लिए हम क्या करेंगे दो को हेडर यूज करेंगे, हेडर स्ट्रेचर। ठीक है, फिर क्या देखेंगे हम, फिर एक स्ट्रेचर हो गया, फिर क्या दो हेडर हो गया, फिर क्या देखेंगे इसी का अल्टरनेट करेंगे हम, देखिए क्या देख रहे हैं हम, यही इतना ही लेयर के लिए हम क्या देख रहे हैं इसमें, इसमें टू ब्रिक होगा, मतलब क्या इसका थिकनेस जो है दो ब्रिक का होता है। और इसमें क्या देख रहे हैं हम इसका जो इसमें जो है सो देखिए ये सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेसिकली ये बता रहे हैं आपको, देखिए ये कैसे किया जाता है, देखिए ये आपके बेसिकल, देखिए एक स्ट्रेचर है और एक हेडर है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, लेकिन हम क्या देखें एक स्ट्रेचर है और इसी को लेंथ को पूरा करने के लिए देखें दो हेडर है, तो दो हेडर होगा और एक स्ट्रेचर होगा, तो हमारे क्या हो जाएगा डबल फ्लेमिश बॉन्ड हो जाएगा, और एक स्ट्रेचर और एक हेडर होगा तो हमारा कैसा हो जाएगा सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए, और इसका जो है फेस एलिवेशन क्या देखिए, फेस एलिवेशन हमें फ्लेमिश बॉन्ड देखना चाहिए और बैक एलिवेशन हमें इंग्लिश बॉन्ड देखना चाहिए, तो हमारा जो है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, तो आपको जो है एग्जाम में ये पूछा गया है जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड, मतलब इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड में आपको डिफरेंस पूछा गया है। तो इंग्लिश बॉन्ड क्या था, इंग्लिश बॉन्ड बेसिकली वह बॉन्ड था जिसमें जो हमने क्या देखा था, हमने देखा फ्लेमिश बॉन्ड जैसे दो प्रकार का था, कौन सा, एक था सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और दूसरा में क्या डबल फ्लेमिश बॉन्ड। हमने देखा सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड क्या था, वह बॉन्ड था जिसमें हमने क्या देखा था फेस एलिवेशन में फ्लेमिश बॉन्ड दिखता, लेकिन बैक एलिवेशन में हमारा इंग्लिश बॉन्ड दिखता था, उसी को हम कहते हैं सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, जो हमारा फेस एलिवेशन दिखेगा वही हमारा बैक एलिवेशन दिखेगा, क्यों दिखेगा, देखिए ये हमारा एक स्ट्रेचर है दो हेडर है, तो पीछे हमारा वही दिखेगा, लेकिन इसमें क्या होता है हमारा एक स्ट्रेचर होता है और एक हेडर होता है जिसके कारण, और इसमें बीच में हम क्या देखते हैं हेडर फेस में क्या देखते हैं हेडर कोर्सेज में एक क्विन क्लोजर इसमें प्लेस हो जाता है, जिसके कारण जो होता है हमारा इसका सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड का फेस एलिवेशन में क्या देखते हैं फ्लेमिश बॉन्ड, लेकिन बैक एलिवेशन में क्या देखते हैं इंग्लिश बॉन्ड। तो ये हमारा हो जाता है सिंगल फ्लेमिश और डबल फ्लेमिश बॉन्ड। लेकिन आपको एग्जाम में क्या पूछा गया है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड, तो उस पर हम चलते हैं क्योंकि वो 6 marks का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसलिए अगर आप इसका समझ गए होंगे तो ठीक है, हम इसे इरेज कर रहे हैं।
अब क्या देखेंगे हम, डिफरेंस देखेंगे इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड में। सबसे पहला इसमें डिफरेंस क्या है देखिए, सबसे पहला इसमें डिफरेंस यह है जो इसमें क्या देख रहे हैं, अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर होता है, अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर। और इसमें क्या देख रहे हैं फ्लेमिश बॉन्ड में, अल्टरनेट तो होता है लेकिन क्या होता है, अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन ईच कोर्स। क्या देखें हम, प्रत्येक कोर्स में जो है अल्टरनेट हमारा हेडर और स्ट्रेचर होता है, ठीक है। पहला हमारा डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हमारा, इसमें क्या देखें इंग्लिश बॉन्ड में, एक क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर इज प्लेस्ड कहाँ, जस्ट आफ्टर द वन हेडर। और इसमें क्या होता है, इसमें प्लेस नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या देख रहे हैं इसमें, ए क्वीन क्लोजर इज नॉट प्लेस्ड इन हेडर कोर्स। लेकिन इसमें क्या देखते हैं, इसमें क्या होता है, देखिए पहले हम लिख दे रहे हैं उसके बाद हम समझाएंगे। इसके बाद क्या देखते हैं, यह जो है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। और ये क्या होता है, इट इज नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट एज कंपेयर्ड टू इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। फिर क्या देख रहे हैं हम, इसमें जैसे हमें स्किल लेबर इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इसमें क्या देखते हैं हमें, स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर देख रहे हैं क्या, इट हैज नॉट गुड अपीयरेंस, लेकिन इसका क्या होता है, इट हैज प्लीजेंट अपीयरेंस, ठीक है। फिर क्या देख रहे हैं हम, फिर हमारा है इट इट हैज लेस कॉस्टली और इट इज कॉस्टली।
देखिए बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हम इसमें सात डिफरेंस देख रहे हैं। कौन कौन सा डिफरेंस है हमारा? पहला हमारा डिफरेंस क्या है, अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रक्चर आर प्लेस्ड। मतलब क्या देखे हैं इसमें, अल्टरनेट हेडर होगा, मतलब अगर एक कोर्स में हेडर जा रहा है हेडर ही जाएगा, फिर क्या देख रहे हैं और अगले कोर्स में स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर ही जाएगा। लेकिन फ्लेमिश में हम क्या देख रहे हैं, फ्लेमिश में देख रहे हैं अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रक्चर, अल्टरनेट तो होगा लेकिन इन इच कोर्स होगा, क्या होगा इच कोर्स, प्रत्येक कोर्स में होगा। हमने बताया था एक अगर एक लेयर में बैठा रहे तो इसमें क्या होगा स्ट्रक्चर भी होगा और हेडर भी होगा, ठीक है, तो हमारा फ्लेमिश बंद हो जाता है। फिर क्या देख रहे हैं सेकेंड पॉइंट, ए क्वीन क्लोजर इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द वन हेडर। मतलब अगर हमारा इंग्लिश बॉन्ड में हमने क्या होता था अल्टरनेट हेडर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो जो हमारा हेडर कोर्सेज होगा उसमें क्या देखते हैं वन हेडर के बाद क्वीन क्लोजर प्लेस होता है, लेकिन फ्लेमिश बॉन्ड में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये जो है हमारा इन इच कोर्स अल्टरनेट है, ये हमारा तो हमारा बस खाली अल्टरनेट है लेकिन वो इच कोर्स अल्टरनेट है, ठीक है। फिर तीसरा वर्ड का है क्वीन क्लोजर इज नॉट प्लेस्ड इन हेडर कोर्सेज, हेडर नहीं सॉरी स्ट्रक्चर हो गया, देखिए क्या है इसमें क्वीन क्लोजर को हम स्ट्रक्चर कोर्स में प्लेस नहीं करते हैं, किसमें इंग्लिश बॉन्ड में, लेकिन इसमें क्या है इसमें हम प्लेस करते हैं कहाँ पर जहाँ पर हमें जरूरत होता है, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट हम क्या देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, कैसा बॉन्ड है ये इंग्लिश बॉन्ड, यह स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है क्योंकि इसमें ओवरलैप हम कराते हैं कैसे एक क्वीन क्लोजर प्लेस करके, कौन से कोर्स में हेडर कोर्स में, तो ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हो जाता है। कौन सा बॉन्ड इंग्लिश बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हो जाता है, लेकिन फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड नहीं होता है कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड के कंपेरिजन में यह वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर क्या देखें हम स्किल लेवल इज नॉट रिक्वायर्ड, क्यों स्किल लेवल इसमें क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें बस स्ट्रेचर, अगर एक लेयर जा रहे हैं तो स्ट्रेचर जा रहे हैं फिर नेक्स्ट लेयर में हेडर जाएंगे, तो इसमें कोई हमें स्किल लेवल की जरूरत नहीं पड़ती है, किसमें इंग्लिश बॉन्ड में। लेकिन फ्लेमिश बॉन्ड में क्या देखें हम अल्टरनेट हेडर स्ट्रेचर दे रहे हैं लेकिन प्रत्येक कोर्स में दे रहे हैं, इसलिए हमें क्या करेगा स्किल लेवल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा पाँच पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट वन पॉइंट हमारा इट हैज नॉट गुड अपीयरेंस, इसका जो इंग्लिश बॉन्ड का वो दिखने में अच्छा नहीं होगा लेकिन हमारा जो फ्लेमिश बॉन्ड होगा वो जो है इट हैज प्लेजेंट अपीयरेंस, मतलब इसका अपीयरेंस जो बहुत अच्छा होगा फ्लेमिश बॉन्ड का। फिर हम क्या देख रहे हैं इट हैज लेस कॉस्टली, या लेस कॉस्टली क्यों, क्योंकि हमें जो स्किल लेवल नहीं चाहिए और क्या चाहिए, इसमें जैसे टाइम टेकिंग नहीं होता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं इट हैज नॉट टाइम टेकिंग, इसमें जैसे टाइम टेकिंग या बॉन्ड नहीं होता, मतलब क्या होता है लगे रहते हैं और बॉन्ड बनते रहते हैं, ऐसा नहीं, लेस टाइम टेकिंग है, ये बहुत टाइम टेकिंग है, तो ठीक है। तो हमारे सबसे क्या होगा ये लेस कॉस्टली हो गया और ये हमारा प्लेस वन का है कॉस्टली है। और एक पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं, और एक पॉइंट हम ये बता रहे हैं इट हैज लेस टाइम टेकिंग, मतलब क्या होता है ये कम टाइम में ही बन जाता है, लेकिन यह क्या होता है इट हैज टाइम टेकिंग, यह जैसे बहुत ज़्यादा टाइम लेकर ये बॉन्ड बनता है। ये हमारा बेसिकली आठ डिफरेंस हो गया जो कि हमें इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड हुई है सफिशियंट है सिक्स नंबर लाने के लिए। तो ये हमारा बेसिकली हम फिर से बोल रहे हैं ये जो सब एग्जाम में पूछा गया है और ये सिक्स मार्क्स में पूछा गया है। तो हमने अभी तक बेसिकली जो है थर्ड यूनिट से हमने बताया था 24 मार्क्स का पूछता है, जिसमें हमने क्या बताया स्टोन मशीनरी से नहीं पूछता, स्टोन मशीनरी से ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये हमारा हो गया सबसे हम ब्रिक मशीनरी स्टार्ट किया, ब्रिक मशीनरी आपका सिक्स मार्क्स हो गया, तो बच्चों के आपका 18 मार्क्स हो गया, आपका नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर होगा, लेकिन ये हमारा जो है बॉन्ड्स आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि वो वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए जो है इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और देख लीजिए आठ डिफरेंस है जो कि आपके लिए सफिशियंट है डिफरेंस लिखने के लिए। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।